इफ यू वॉन्ट टू पुशिंग टू टिल लाइक 5,500 देन यू कैन यूज दिस बेस एंड इफ यू डोंट सो हेलो गाइस, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो पे। एंड गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर यहाँ पे कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं एक ओपी से बेस से। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गाइस एक और अच्छा सा बेस, यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेस है TH-14 पे। अगर आपको पुशिंग पे ध्यान देना है तो आप इसको ज़रूर यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा। और चलिए अभी यहाँ पे एक बार देखते हैं बेस का ओवरव्यू, फिर उसके यहाँ पे कुछ रिप्लेस, हम सभी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार बेस को देखना। तो गाइस ये यहाँ पे बेस TH-14 का काफ़ी अच्छा बेस है। यहाँ पे कोर में मल्टी इन्फर्नो प्लस एक CC यहाँ पे रखा गया है, प्रोटेक्ट कर रखा है उसको यहाँ पे एक स्वीपर ने। और स्कैटर शॉट्स की पोजीशन भी आप देख सकते हो, ये वाला स्कैटर शॉट इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है जिससे कि यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे किंग इसको टेक डाउन ना कर पाए और क्वीन को भी यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो। और ये वाला स्कैटर शॉट की पोजीशन आप देख सकते हो, ट्रैप्स मैंने अभी आपको नहीं दिखाए क्योंकि ट्रैप्स जब आप बेस यहाँ पे बनाओगे अपने लिए तो आप यूज़ कर सकते हो तभी। तो बेस काफ़ी अच्छा है, एक मल्टी इन्फर्नो यहाँ पे है, एक ईगल यहाँ पे बिल्कुल बैक साइड पे रखी गई है और टाउन हॉल की पोजीशन भी आप देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा बेस है, अभी इसके रिप्लेस भी हम आपको दिखाएंगे। और एक एक्सपो का कंपार्टमेंट बिल्कुल अकेले यहाँ पे बनाया गया है। तो अगर आपको पुशिंग पे ध्यान देना है तो आप ये वाला बेस यहाँ पे ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। तो चलिए अभी देखते हैं इसके कुछ रिप्लेस। सो गाइस ये यहाँ पे रीप्ले वन और बेस आप देख सकते हो, और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग आर्मी से यहाँ पे अटैक हुआ है। 11 इलेक्ट्रो ड्रैगन, सॉरी यहाँ पे ड्रैगन राइडर्स यूज किए गए हैं और बैट स्पेल्स यहाँ पे काफी ज्यादा यूज की गई है। तो देखते हैं अपने प्लान को यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अटैक यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया विद फनलिंग यहाँ पे बनानी स्टार्ट करती है। सो लेट्स सी अभी 11 इलेक्ट्रो ड्रैगन, सॉरी नॉर्मल यहाँ पे ड्रैगन राइडर कहाँ पे यूज करते हैं, बार बार इलेक्ट्रो ड्रैगन यहाँ पे याद आ रहा है। तो लेट्स सी अभी यहाँ पे क्वीन से फनल बना लिया, स्कैटर शॉट यहाँ पे शायद आरसी से अपने टेक डाउन कर ले क्योंकि अभी काफ़ी सारी स्पेल्स यहाँ पे बची हुई है, बट क्वीन से यहाँ पे मल्टी इन्फर्नो नहीं टेक डाउन कर पाएंगे। तो अभी कुछ नहीं कह सकते अटैक में क्या होगा क्योंकि CC यहाँ पे लूर आउट हो गई है, तो शायद यहाँ पे स्कैटर शॉट टेक डाउन ना हो जो कि मुझे लगा था वो ना हुआ यहाँ पे। और बिल्कुल लास्ट में आके यहाँ पे स्कैटर शॉट बच गया है और ब्लिम भी यहाँ पे यूज़ कर लिए, पता नहीं वो टाउन हॉल तक यहाँ पे पहुँचने वाली है नहीं पहुँचने वाली। फाइनली यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी भी यूज़ कर ली, तो देखते हैं क्या ब्लिंप यहाँ पे टाउन हॉल तक पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी। तो अभी तक तो अटैक काफ़ी सही जा रहा है। चलो फाइनली ब्लिंप टाउन हॉल तक तो पहुँच गई है, पर देखते हैं क्या टाउन हॉल यहाँ पे टेक डाउन हो पाएगा। ओके रेज यहाँ पे यूज़ नहीं की तो मुश्किल ही है यहाँ पे, तो टाउन हॉल गाइज यहाँ पे टेक डाउन नहीं होने वाला और ये वाला अटैक यहाँ पे मुझे लगता है फेल हो जाएगा। सो लेट्स सी अभी और कितनी परसेंटेज यहाँ से गेन करने वाले हैं, क्या यहाँ से 2 स्टार निकाल पाएंगे क्योंकि अभी बस यहाँ पे क्वीन बची हुई है और क्वीन भी यहाँ पे डेड हो चुकी है और 2 ड्रैगन राइडर्स बचे हुए हैं जो कि वो भी यहाँ पे डेड हो जाएंगे। और ये वाला अटैक यहाँ पे हो जाएगा फेल क्योंकि बैट स्पेल्स यहाँ पे कुछ नहीं करने वाली, एक बैट स्पेल यहाँ पे बची है तो ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे करेगी। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे रीप्ले टू। तो मैस यहाँ पे बॉलर से अटैक किया गया है यार, और काफ़ी यहाँ पे सभी लोग इंटरेस्टिंग आर्मी से ही अटैक कर रहे हैं। क्वीन चार्ज स्टार्टिंग में यूज़ कर लिया है और यहाँ पे यार वॉल रैकर का यूज़ किया गया है जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। और सभी ट्रूप्स देखते हैं टाउन हॉल वाले कंपार्टमेंट में नहीं जा रहे हैं, बट चलो कोई नहीं, मुझे लगता है ये वाला अटैक वैसे भी यहाँ पे फेल होने वाला है क्योंकि टाउन हॉल का पॉइजन डैमेज ही इतना होता है यार। अगर आप यहाँ पे ऐसे यूज़ करोगे तो आप ज़रूर अटैक यहाँ पे फेल करने वाले हो। और ये वाला अटैक भी देखते हैं यहाँ पे NT 2 स्टार रहेगा या NT 3 स्टार रहेगा, तो मुझे लगता है ये वाला अटैक भी यहाँ पे NT 2 स्टार, मतलब ये वाला अटैक भी यहाँ पे 1 स्टार ही रहता है, 2 स्टार नहीं होता। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रीप्ले। सो गाइज ये यहाँ पे नेक्स्ट रीप्ले बोलर्स एंड प्लस येटीज प्लस गोलम से यहाँ पे अटैक किया गया है, तो देखते हैं इस वाले अटैक में यहाँ पे क्या होने वाला है। और चलो फनलिंग यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा किया था बट टाउन हॉल का पॉइजन डैमेज यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा और ये वाला अटैक भी एक हाई परसेंटेज अटैक नहीं रहने वाला, मुझे लगता है ये भी 60s की लाइन में रहेगा। 45 यहाँ पे आ चुका है, पहले तो मुझे लग रहा था ये भी टाइम फेल हो जाएगा और 1 स्टार ही रहने वाला है, बट क्वीन की एबिलिटी के साथ ये वाला अटैक एटलीस्ट 2 स्टार 59% हो गया था। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट अटैक। सो अटैक देख रहे हो फ्लाइब्रिड आर्मी, क्यों ना देखे। तो चलिए अभी यहाँ पे फ्लाइब्रिड आर्मी से अटैक किया गया है और 6 बैट स्पेल्स यहाँ पे यूज की गई है। सो लेट्स सी कैसे अपने प्लान को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। चलो यहाँ पे फनलिंग काफी अच्छी कर दी है, तो
अभी यहाँ पे सभी अपने ड्रैगन राइडर्स पता नहीं इन्होंने यहाँ पे क्यों यूज कर लिया, गलती से इन पे यहाँ पे यूज हो गए, या शायद फनलिंग के लिए ही इन्होंने यहाँ पे ड्रैगन राइडर्स यूज किए थे, और अभी भी इनके पास यहाँ पे बैट स्पेल्स बची हुई है, तो देखते हैं कहाँ पे यूज करते हैं। चलो फाइनली बैट स्पेल्स यहाँ पे यूज कर ली गई है, और काफी सारी यहाँ पे फ्रेजेस वेस्ट हो गई क्योंकि बैट स्पेल थोड़ा सा गलत जगह से मेरे हिसाब से यूज की गई थी, बट फिर भी ये वाला अटैक यहाँ पे फेल हो जाता क्योंकि अभी भी यहाँ पे स्कैटर शॉट और विजार्ड टावर प्लस क्वीन यहाँ पे बची हुई है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिप्ले। सो इस बार यहाँ पे अटैक हुआ है मैस हाइब्रिड नहीं, आप माइनर से यहाँ पे अटैक हुआ है, काफी दिनों के बाद देख रहे हैं यार मैस माइनर का अटैक, तो देखते हैं कैसे अपने अटैक को एग्जीक्यूट करते हैं। पता नहीं हीलर्स यहाँ पे यूज नहीं किए अपनी क्वीन पे, और ये वाला अटैक देखते हैं कितनी परसेंटेज यहाँ पे जाएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये वाला अटैक हुआ है, और अभी भी सीसी के मेरे ट्रूप्स बच रहे हैं जो कि इसको यहाँ पे काफी प्रॉब्लम दे रहे हैं, और ये वाला अटैक भी यहाँ पे फेल हो जाएगा, तो ये वाला अटैक भी यहाँ पे 60s में रह जाता है। तो ये थे गाइस सभी के यहाँ पे टॉप रिप्लेस इस बेस को लेके, काफी अच्छा बेस है, TH14 हो तो जरूर इसको यूज करो, एंड देखो 2K होने वाले हैं उस पे, फिर से यहाँ पे गिव अवे आने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मैं सच बता रहा हूँ गाइस, अगर आपको इफ यू वॉन्ट टू पुशिंग टू टिल लाइक 5500 देन यू कैन यूज दिस बेस, एंड इफ यू डोंट वॉन्ट टू पुशिंग लाइक अबव 5500 स्टिल यू कैन यूज दिस बेस, दिस बेस इज वेरी ओपी, सो यू हैव टू यूज वन टाइम ऑल्सो। एंड गाइस जिसने भी अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर यहाँ पे कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे गोल्ड पास के गिव अवे भी होंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।